उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप खुलकर मन की बात कहें। मेरा मकसद हेडलाइन बनाना या तिल का तार बनाना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आप देश की तकदीर बनाएंगे तो आखिर कैसे, क्या है आपकी सोच। और उसी के नाते मेरा पहला सवाल है कि आपने, आपका नाम घर घर पहुंचा है और उस घर घर पहुंचने के साथ में आपने जो नारा दिया है वो कांग्रेस मुक्त भारत का कहा, क्या कांग्रेस मुक्त भारत के बजाय वो भ्रष्टाचार मुक्त या बेरोजगार मुक्त नहीं होना चाहिए था? ईटीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने कहा है कि मैं खुल करके बोलूं, मन से बोलूं। इस देश में मेरी एक बात में तो पहचान है कि मोदी जब बोलता है तो खुल करके बोलता है, मन से बोलता है, इतना ही नहीं दिल से बोलता है। तो मैं आपसे जो बात करूंगा दिल से करूंगा। और लोकतंत्र में हम लोगों का दायित्व है कि हमारे और जनता के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। जनता को हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्यों करते हैं, हम कैसे करते हैं, हम किसके लिए करते हैं, ये सब जानने का जनता को पूरा पूरा अधिकार है। और इसलिए मैं इन बातों में मेरा कन्विक्शन है जी। तो इसके लिए मुझे खुशी होती है जब सच बोलना होता है। तो दूसरा विषय आपने पूछा कि मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। मैं जब कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता हूं तब पिछले 60 साल में कांग्रेस ने राजनीति में जिस कार्य संस्कृति को पनपाया है उस कार्य संस्कृति से मुक्ति की बात करता हूँ। कांग्रेस ने जो वोट बैंक की राजनीति को सत्ता हथियाने का साधन बना दिया है उससे मुक्ति की बात करता हूँ। पिछले 10 साल में शायद हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार का इतना भयानक रूप देश को कभी देखने को नहीं मिला। और इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब है कुशासन से मुक्त भारत, वंशवाद से मुक्त भारत, अलोकतांत्रिक तरीकों से मुक्त भारत, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग से मुक्त भारत, महंगाई से मुक्त भारत, संकटों से मुक्त भारत। और कांग्रेस इन्हीं चीज़ों का पर्याय बन गया है। नहीं, लेकिन आप मोदी जी पिछले 60 सालों में 2-3 बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस मुक्त भारत हुआ भी, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार दिल्ली में बनी, अनुभव मोटे तौर पर यही आया कि चेहरे बदले लेकिन कुछ हुआ नहीं, वही एक तरह से कांग्रेस वाद सही चला या कांग्रेसी अंदाज में ही राज चला, उससे अलग कैसे होगा, क्या होगा? आप एकदम 100% सही है जी। क्योंकि देश में जितनी भी सरकारें बनी अटल जी की सरकार को छोड़कर के, उसके सारे मुखिया कांग्रेस गोत्र के ही थे जी। वो कांग्रेस में ही पले बड़े थे, कांग्रेस में ही पैदा हुए थे जी। लेकिन कांग्रेस से राजनीतिक कारणों से, वैयक्तिक द्वेष के कारण वो निकले थे जी। तो ये सारी जितनी सरकारें बनी हैं वो एक प्रकार से कांग्रेस की ही सरकारें थी। तो उस्ताद जी, उन नेताओं का गोत्र कांग्रेस का था जी। अकेले अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले जिनका गोत्र कांग्रेस का नहीं था जी। और इसलिए देश को पिछले 60 साल के शासनों में अटल जी के कालखंड का शासन बिल्कुल भिन्न दिखता है जी। क्योंकि वो एक भिन्न विचार के, भिन्न संस्कार के, भिन्न संस्कृति के, भिन्न आदर्शों की राजनीति को लेकर के आए थे जी। नहीं, लेकिन उसमें भी ये कि दिल्ली का जो सत्ता तंत्र है, जो दिल्ली की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, वो वही चलते रहने के कारण, उसके कारण कोई खास बुनियादी जो एक परिवर्तन या होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, उसकी कमी, और उसके कारण अब आगे आपने उस नाते क्या विजन बनाया हुआ? जब मैं गुजरात में आया जी, तो यही तो
सरकार थी, यही तो व्यवस्था थी, यही तो मुलाजिम थे जी, यही फाइलें थी जी, यही परंपराएं थी जी। उसके बावजूद भी बदलाव आया जी। शासन तंत्र जो होता है जी, वो नीति निर्धारकों की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है जी, उनके कमिटमेंट पर निर्भर करता है जी, उनकी योजनाओं पर निर्भर करता है जी। और इसलिए शासन तंत्र ये संकट नहीं होता है जी। शासन तंत्र चलाने वाला कैसा है जी, उस पर निर्भर करता है जी। और इसलिए व्यवस्थाएं क्या रातों रात आप 2 करोड़ सरकारी मुलाजिमों को निकाल देंगे क्या जी, जी। आपको चलाना होता है जी। आपने देखा होगा आपकी चैनल में भी अगर एक एडिटर बदल जाता है तो पूरी चैनल का रूप रंग बदल जाता है। मालिक वही रहता है, मुलाजिम वही रहते हैं, लेकिन रूप रंग बदल जाता है। लेकिन फिर भी अगर व्यवस्था वही चले, ढर्रा वही चले, तो वो नेतृत्व या संपादक भी कई पूरी तरह फेल, अच्छे अच्छे संपादक भी है उस जिम्मेवारी में सफल नहीं हो पाते, ये खतरा नहीं रहता। इसलिए व्यवस्था के जो बुनियादी बातें हैं जिसपे कई लोग कहते हैं कि वो बदलना चाहिए। आप निराशावादी व्यक्ति हैं जी, तो आपको विचार आने बहुत स्वाभाविक है जी। मैं आशावादी व्यक्ति हूँ, विश्वास रखता हूँ और अनुभव की कसौटी पर कस करके निकला हूँ और मैं मानता हूँ कि देश बुरा नहीं है, यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं, यहाँ की व्यवस्था बुरी नहीं है, मुसीबत ऐसी है, सही नेतृत्व मिले सही दिशा में चल पड़ेंगे। उस नाते पिछली यूपीए सरकार जो 10 वर्ष की पिछली सरकार थी, उसकी कमियां उसकी गड़बड़ियों के मद्देनजर आप आगे के मामले में क्या दृष्टि, क्या विजन या क्या ब्लू प्रिंट बनाया हुआ लगता है? सबसे बड़ा संकट क्या है, देखिए देश के सामान्य मानवी का, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी से भरोसा टूटा है, न ये प्रधानमंत्री से भरोसा टूटा है, लेकिन सरकार नाम की जो व्यवस्था है उसका ही भरोसा टूट गया है जी। कोई देश अविश्वास के बलबूते पर जीवित भी नहीं रह सकता जी। चलने का तो सवाल छोड़िए, सबसे पहली आवश्यकता है देश में एक विश्वास पैदा करना, एक भरोसा पैदा करना। और ये चुनाव आप देखिए, 2000 चुनाव का 14 का चुनाव सिर्फ नकारात्मकता का चुनाव नहीं है, वो विश्वास आशा का चुनाव है, आशा विश्वास का, इलेक्शन इलेक्शन फॉर होप जी। ये हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ नहीं, है। नहीं, उसी नाते कि जो पिछले 4 साल की जो राजनीति उसमें नेतृत्व को लेकर, पॉलिटिशियन बिरादरी को लेकर, व्यवस्था को लेकर जितना अविश्वास यह हुआ और अब एकदम विश्वास की जो बात आई है उसकी मूल पूंजी है, उसमें मूल विचार क्या बनता हुआ लगता है? लोग मोदी को भली भांति जानते हैं जी। लोग अटल जी की सरकार के माध्यम से भाजपा की सरकारें कैसे चलती हैं वो भी अब जानते हैं। लोगों को कांग्रेस शासन और एनडीए शासन में क्या अंतर है अब भली भांति समझ आता है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, इन सभी सरकारों ने सामान्य मानवी में एक विश्वास पैदा किया है और इसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि देश के हर कोने में लगता है कि भाई हाँ, इनका इरादा कुछ अच्छा करना है, इनका इरादा कोई देश के गरीब से गरीब का भला करना है। आज आप देखिए देश की आदिवासियों की जनसंख्या है, उसमें से 40% आदिवासियों की सेवा करने का सौभाग्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन सरकारों को मिला है और उनके कल्याण के काम जितने भाजपा सरकारों ने किए हैं, वसुंधरा जी जो सोच रही हैं, शिवराज जी ने किया है, रमन सिंह जी कर रहे हैं, गुजरात में हो रहा है, इन सबसे गरीब के गरीब तबके को विश्वास पड़ता है कि हाँ यार ये लोग हैं जो सिर्फ नारेबाजी नहीं करते हैं, नक्कर परिणाम देते हैं। इसी सब की सामूहिक तौर पर दिल्ली के अंदर भी इच्छा और आपके नेतृत्व में लोग उम्मीद करते हैं, ये आप यही और इसके साथ में जो ब्लूप्रिंट है या मतलब आपने जो विश्वास है उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए क्या कुछ योजनाबद्ध, समयबद्ध कुछ कार्यक्रम, कुछ ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है? बिल्कुल, मेरे दिमाग में साफ है जी।
कि सरकार बनने के बाद क्या प्रायोरिटी होगी, गरीब का भला करने के लिए क्या होगा, शासन व्यवस्था के अंदर जान भर देना, प्राण भर देना, उनको गति देना, देश की जनता जनार्दन में एक विश्वास पैदा करना, मेरे दिमाग में बहुत साफ है। नहीं, उस नाते आपने जो कहा है और आपकी जो बात है, उस बात को एक तरह से लोगों ने राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर लिया और आपको बतौर एक नायक की तरह, राष्ट्रपति की तरह आपको जिस दृष्टि से लोग देख रहे हैं, उसमें मेरा ये कहना है कि लोगों को ये जानने की बहुत कि फला फला क्षेत्र में क्या होगा, किसमें आपकी प्रायोरिटी होगी, ये राष्ट्रपति की तर्ज पर ही कुछ वायदे, जैसे मान लीजिए ओबामा या ये बुश और ये जो कहते हैं कि हम हेल्थ को लेकर ये करेंगे या इस तरह की बुनियादी अफगान नीति या ये एक ब्लूप्रिंट जो एक बनता है, उस तरह का कुछ आपने सोचा है, कुछ कहेंगे? पहली बात है, मैं अपने आप को नायक नहीं मानता हूँ जी, नहीं मैं कोई राष्ट्रपति के तरह कुछ काम कर रहा। अंदाज तो पूरा देश का एक तरह से, उम्मीद तो अगर हो रही है तो वही उसी तरह हो रही है। आपका पूरा कर लीजिए। नहीं नहीं जी जी उसी पे। तो न ही मैं नायक हूँ और न ही मैं इस दिशा में सोचता हूँ। मेरा एक कमिटमेंट है, हमारी प्रायोरिटी कौन है, इस देश का गरीब है, इस देश का नौजवान है, असुरक्षा महसूस कर रही माताएं बहनें हैं, हमारा किसान है, हमारा सेना में बैठा हुआ जवान है। लाल बहादुर शास्त्री कहते थे, जय जवान जय किसान। जिस प्रकार से जवानों के सर काट लिए जाते हैं, जिस प्रकार से किसान आत्महत्या करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का तो नारा बदल गया है, मर जवान मर किसान, ये उन्होंने करके रख दिया है। हमारी प्रायोरिटी की स्थितियां बदले। अब जैसे युवकों को रोजगार, मैं मानता हूं स्किल डेवलपमेंट सारी दुनिया की आज प्रायोरिटी है। अब स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा कमीशन बिठाना पड़ता है क्या? जी। आपका कमिटमेंट चाहिए, अपने आप नौजवानों को हुनर सिखाइए, उनको रोजगार का अवसर दीजिए। आप स्थिति कैसी है? जी। आप दिल्ली में रहते हैं, आपके घर के नलके में पानी जा रहा है, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको प्लम्बर नहीं मिल रहा है, आपको प्लम्बर चाहिए प्लम्बर नहीं मिला है, नौजवान बाजार में घूम रहा है उसको रोजगार नहीं मिलता है, तो आप कोई ट्रेनिंग दो ना भाई, स्किल डेवलप करो ना, उसको भी रोजगार मिलेगा, आपका भी काम। छोटी छोटी चीजें हैं, इन सरकारों ने बारीक चीजों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहो, इसी का नतीजा। मतलब ये कि जो मौजूदा सोच है या जो योजना है उन्हीं पर कायदे से और अगर मजबूती के साथ अमल हो तो काफी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनकी योजनाएं वोट बैंक की राजनीति की योजनाएं हैं, वो एक तरफ करके अगर काम हो, वो सारी योजनाएं वोट बैंक की राजनीति है। वो सरकार चलाते हैं चुनाव जीतने के लिए, हम सरकार चलाना चाहते हैं जनता जनार्दन की शक्ति बढ़ाने के लिए, उनके लिए पावर कैसे ग्रैब करना वो है, हमारे लिए जनता जनार्दन को एम्पावर कैसे करना वो हमारा टारगेट है। उस नाते नीतिगत तौर पर क्या कुछ, मतलब इसको नीतिगत खाचे में या एक विचारधारा के खाचे में इसको किस तरह रखा जाए? जैसे मैं बताऊं, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या हमने हमारी समय की मांग नहीं है कि हमारी जमीन पर उत्पादकता बढ़े? जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, तो जो सीमित जमीन है आज अगर हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें एक एकड़ भूमि में आज जितना उत्पादन होता है वो डबल कैसे हो, तीन गुना कैसे हो, ये हम टारगेट नहीं कर सकते क्या? हर माना कर लिया, क्या हम सॉइल केयर करने के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं कर सकते, सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं बना सकते? उसकी जमीन की तबीयत कैसी है किसान की, उसको पता तो होना चाहिए, बेचारे को पता नहीं है, वो कोई भी फर्टिलाइजर डाल देता है, वो कोई भी प्रकार की दवाइयाँ डाल देता है, उसको पता नहीं होगा कि इस जमीन में कौन सी फसल हो सकती है, वैज्ञानिक तरीका दे सकते हैं। इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद जो इरीगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था रिवर ग्रिड का, अगर नदियों को जोड़ने का काम किया होता तो जहां बाढ़ आती है वहां पर संकट आता है, बाढ़ से बचेंगे, जहां सूखा रहता है संकट आता है, सूखे से बचते हैं। अगर इस काम, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस काम को आरंभ किया है क्यों अटका पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को डंडा मारना पड़े। अब देश के सभी लोग मानने लगे हैं
कि अगर हम गंगा और कावेरी को जोड़ते हैं, हम बड़ी बड़ी नदियों को छोटी नदियों के साथ जोड़ करके एक पूरा नेटवर्क बना देते हैं। ये बड़ा विजन आपका कृषि और सिंचाई को लेकर है जिस पर अमल की उम्मीद की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। ये गुजरात कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं था, हमने आज एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना स्थान बना दिया। उसी प्रकार से हमने श्वेत क्रांति की, लेकिन उसको गुजरात तक सीमित रह गया। क्या हिंदुस्तान के पशुपालक, हिंदुस्तान के किसान उसको पशुपालन के साथ जोड़ करके वो उसको वायबल कैसे हो, हमारे पास जितने पशु हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े और ये इनकम उसको कैसे बढ़े। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को टुकड़ों में देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ तीन हिस्सों में देखना चाहिए, एक तिहाई रेगुलर कृषि, एक तिहाई पशुपालन और एक तिहाई जहाँ खेत का किनारा होता है, किनारों पर वृक्षों की खेती। वृक्षों की खेती के कारण क्या होता है, आज देश को जो टिम्बर इम्पोर्ट करना पड़ता है ना, टिम्बर इम्पोर्ट करना बंद हो जाएगा, किसान की आय बढ़ेगी। हम एक नए तरीके से सोचे। दूसरा, देश का दुर्भाग्य है किसान अनाज पैदा करता है, खेत में काम करता है, सिर्फ अपना पेट भरने के लिए नहीं करता है। किसान हिंदुस्तान के गरीब से गरीब का पेट भर करके उसे संतोष होता है, लेकिन वही अनाज जब सड़ जाता है तब उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि इस अनाज को गरीबों को बांट दो। वो अनाज गरीबों को नहीं बांटते, सड़ने देते हैं और बाद में शराब बनाने वाली कंपनियों को 80-85 पैसे में बेच देते हैं। इसकी किसान को कितनी पीड़ा होती होगी इसका किसी को अंदाज नहीं है। इससे हिंदुस्तान की जवानी कितनी बर्बाद होती है इसका किसी को अंदाज नहीं है। और इसलिए हम व्यवस्थाओं में कैसे एक तौर तरीके बदले, पूरे एक कृषि क्षेत्र को कंपोजिट आधार पर आप करके उसके ऊपर बुनियादी परिवर्तन की सोच पर अमल करने की। नहीं, आपने सवाल पूछा उसका ही मैंने जवाब दिया। आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग पूछेंगे तो मैं इतना ही लंबा मैन्युफैक्चरिंग बोलूंगा। देखिए, आज रोजगार के लिए अनेक अवसर है, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अवसर है, लेकिन हमने औद्योगिक क्षेत्र की प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। क्यों ना हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा क्यों ना दें, हम वैल्यू एडिशन क्यों ना करें। हमारा किसान टमाटर बेचता है तो बेचारे को पैसे नहीं मिलते, बिगड़ जाता है, लेकिन टमाटर का कैचअप बनता है तो उसकी इनकम बढ़ेगी। एग्रो बेज इंडस्ट्री को कैसे बढ़ा दें, इतना बड़ा समुद्री तट है हमारे पास, कम से कम टेक्नोलॉजी की जिसमें जरूरत होती है, टर्नर फीटर वेल्डर से जो काम होता है वो है शिप इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग। आज कोरिया जैसा देश शिप बिल्डिंग में इतना आगे बढ़ गया है, हम हमारे समुद्र तट पर इस शिप बिल्डिंग को कितना बढ़ावा दें ताकि दुनिया में शिपिंग इंडस्ट्री की इतनी बड़ी मांग है, हम गरीब से गरीब को रोजगार दे सकें। टूरिज्म, दुनिया के अंदर $3 ट्रिलियन का टूरिज्म का क्षेत्र इंतजार कर रहा है। हिंदुस्तान के पास सारी दुनिया को देने के लिए क्या कुछ नहीं है। हम अगर टूरिज्म पर बल देते हैं, गरीब से गरीब लोगों को रोजगार मिलता है, चाय बेचने वाला कमाता है, पकौड़े बेचने वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, ऑटो रिक्शा वाला कमाता है, छोटी छोटी रेस्टोरेंट वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला कमाता है, और ये फ्लोटिंग पॉपुलेशन रहता है और उसके कारण इतना बड़ा हिंदुस्तान की इकोनॉमी जनरेट हम कर सकते हैं। हम टूरिज्म सेक्टर को कैसे बल दें। इतना ही नहीं, मेरा एक कन्विक्शन है, टूरिज्म सेक्टर एक बहुत बड़े एम्बेसडर के रूप में दुनिया की आपकी छवि पहुँचाता है। दूसरा मेरा तो नारा है, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। विश्व को जोड़ने की ताकत टूरिज्म में है। इसी के साथ में एक औद्योगिकरण के ऊपर आए, आपने गुजरात के अंदर औद्योगिकरण का जो माहौल बनाया, जो किया, उसका गुजरात के इस मॉडल को क्या अखिल भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अमल किया जा सकता है। पहली बात यह है, उस पर कितना फोकस रहेगा। पहली बात यह है, भारत एक संघीय ढांचा है, हमने राज्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। केंद्र की नीतियां ऐसी हो जो सब राज्यों की उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर दें। अगर मुझे, मान लीजिए दिल्ली में के सरकार के पास किसी देश का एक डेलीगेशन आया, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो दिल्ली सरकार कहाँ इन्वेस्टमेंट कराएगी। उसका काम है कि वो, मान लीजिए भाई बिहार में इन्वेस्टमेंट करने योग्य हैं, तो बिहार की सरकार से उनको मेल करवा दे, उनको विश्वास दे। उसको विश्वास होना चाहिए बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों मेरे साथ हैं। आज वो एनवायरनमेंट नहीं है, आज वो एनवायरनमेंट नहीं। आपको मैं हैरानी होगी,
गुजरात में हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट किया, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ आए, भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि तुम गुजरात क्यों जा रहे हो। दिल्ली सरकार ने राज्यों के विकास में कभी आड़े नहीं आना चाहिए, औद्योगिक विकास के लिए ये बातें बहुत बड़ी मदद करती हैं। दूसरा, टैक्सेशन के संबंध में कोई एक आपकी विश्वसनीय नीति होनी चाहिए, वरना दुनिया का कोई व्यक्ति इस आशंका चलते आपके यहाँ आता नहीं। मतलब आप टैक्सेशन की जो पूरा विवाद हुआ उसको लेकर ठोस उसी प्रकार से ये पाश्चात्य असरों से जो टैक्सेशन की बातें आ रही हैं, दुनिया में कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। आप जो डील करते हैं उसको ठीक रहना चाहिए, आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चीजें नहीं करनी चाहिए। विश्वास यानी आप सामान्य व्यापार में भी विश्वास उठ जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय जगह, और जब दुनिया में आप चाइना के साथ स्पर्धा कर रहे हैं, आप पूरे एशिया के अंदर अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तो विश्वास पैदा करना, और मैं बताता हूँ जी, विश्वास एक बहुत बड़ी पूंजी होती है, और सरकार को विश्वास तोड़ने वाले कदम कभी उठाने नहीं चाहिए। उस विश्वास और यही विश्वास के खातिर में मेरा ये सवाल है कि आर्थिक सुधारों को लेकर आपकी क्या रफ्तारी है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं कि कितना आगे बढ़ेंगे, किस में जो बीच में अभी जिस तरह के विवाद, जिस तरह के अवरोध आए, उसको लेकर आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तिजोरी खाली करने के वोट बैंक के कार्यक्रमों को लोग आर्थिक सुधार कहते हैं, वो आर्थिक सुधार नहीं है। आर्थिक सुधार वो होते हैं जो आपकी सारी व्यवस्था में नए प्राण भरते हैं, एक नई सोच का की शुरुआत होती है, लोगों को आने का अवसर पैदा होता है। आर्थिक सुधारों से ये बनना चाहिए। आपने तो इतने कानूनों की जंगल बनाते जा रहे हो, कानूनों के जंगल बनाते जा रहे हो, आदमी कानूनों के जंगल में फंसता चला जा रहा है। आवश्यकता ये है कि हम कानूनों के जंगल को जरा कम करें, सिंप्लीफाई करें, और प्रोसेस को बहुत शॉर्टकट करें। हमारे यहाँ हिंदू फिलोसॉफी में कहते हैं कि चार धाम की यात्रा करो तो मोक्ष हो जाता है, लेकिन हमारी सरकारों में फाइल है 40 धाम की यात्रा पूरी करे तब भी फाइल का मोक्ष नहीं होता है। ये बंद होना चाहिए। क्यों ना हम व्यवस्थाओं को सिंक्रोनाइज कर। दूसरा, टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लानी है। अब एनवायरनमेंट मैं बताता हूँ क्या कारण है कि एनवायरनमेंट के नाम पर सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाए। सिग्नेचर की हुई फाइलें पड़ी है, क्यों पड़ी है? आखिरकार मंत्रियों को बदलना पड़ रहा है, क्यों बदलना पड़ रहा है? कितनी गंभीर समस्या है। और इसलिए हम जब जितनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, चाहे ई प्रोक्योरमेंट हो, ई टेंडरिंग हो, ह्यूमन इंटरवेंशन जितना कम करेंगे, दुनिया के देशों का विश्वास बढ़ेगा। मतलब ये सुशासन के आपके जो पैरामीटर में ये सारी चीजें आती है। ये सुशासन के ही नहीं है, सुशासन के तो है ही है, लेकिन ये एक विकास की लंबी सोच का भी हिस्सा है। आपकी माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल पे जो ये आर्थिक सोच, कृषि, उद्योग, राजकाज के तौर तरीके, इसको ये जो आपने सोचा, जो आपके अनुभव से निकला, इसको किसी आपने थिंक टैंक के अंदाज में या दिल्ली या जो अगर दिल्ली में सरकार बनती तो उसके नाते क्या कोई थिंक टैंक या कोई कार्य योजना या कुछ, मतलब ये आपके जो तमाम विचार है इसको अमली जामा कैसे, मतलब क्योंकि जैसे वहाँ योजना आयोग का डर रहा है या तमाम जो बातें उसका, उससे बाहर कैसे निकलेंगे? 125 करोड़ देशवासी, यही मेरी थिंक टैंक है जी। हजारों साल की विरासत, यही मेरी थिंक टैंक है। बदलता हुआ विश्व, नई नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशंस, ये मेरी प्रतिबद्धता है, और इसमें जुड़ने वाला हर व्यक्ति मेरा मार्गदर्शक। नहीं, ये आपके व्यक्तिगत स्तर पर मेरे लिए रास्ते चलते व्यक्ति का सुझाव भी वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। मतलब और कभी कभी एक गांव का गरीब किसान का सुझाव भी देश के बदलाव लाने का बहुत बड़ी ताकत बन जाता है। मतलब दिल्ली का जो नौकरशी अधिक है कि सोशल मीडिया में यहाँ तक कहा जाता है कि आप आएंगे तो डॉलर 40 रुपए का हो जाएगा, पेट्रोल 50 रुपए का हो जाएगा। इतनी ज्यादा उम्मीदें, इन उम्मीदों का भार आप महसूस नहीं करते? और क्या ये उम्मीदें, इस तरह की उम्मीदें पूरी की जा सकती? कैसे होगा ये सब?
आखिर ये उम्मीदें क्यों जगी है, और ये उम्मीदें वाजिब नहीं है क्या? क्या हिंदुस्तान का रुपया ताकतवर नहीं होना चाहिए क्या? क्या हिंदुस्तान के नागरिकों को महंगाई से बचने के रास्ते नहीं होने चाहिए क्या? तो जहाँ तक जनता की उम्मीदें हैं, मैं मानता हूँ उन्होंने किसी को ये नहीं कहा है कि आसमान के तारे तोड़ करके लाओ। जनता ये नहीं कह रही है कि मेरे घर के आगे रोल्स रॉयस कार रख दो। मिनिमम चीज़ें मांग रही है जनता जी, और सरकार का ये दायित्व है आज़ादी के 60 साल के बाद। और मैं तो मानता हूँ 7 साल के बाद भारत की आज़ादी के 75 वर्ष होंगे। हम याद करें, स्मरण करें उन महापुरुषों का जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग किया, जिंदगी जेलों में खपाई, कुछ ने फांसी के फंदे पर लटक गए, जिन सपनों को लेकर के उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। क्या ऐसा हिंदुस्तान हम उनको दे सकते हैं? हम अभी से तय करें कि आज़ादी के 75 साल जब मनाएंगे, देश जब आज़ादी का अमृत पर्व मनाता होगा, तब ऐसा हिंदुस्तान हम लोगों को देंगे। अगर ये भाव बनाएंगे तो जनता भी आपके साथ जुड़ेगी। विकास ये सरकार का एजेंडा नहीं होता है, विकास 125 करोड़ देशवासियों का एजेंडा होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने ये कर्तव्य करके दिखाया था। उन्होंने जब कहा जय जवान जय किसान, और उस समय हम विदेशों से गेहूं लाते थे, इसी देश के किसानों को उन्होंने ललकारा, इसी देश के किसानों ने देश के अन्न के भंडार भर दिए। क्या सरकार की ऑफिस में अन्न पैदा होता था क्या? क्या अन्न वहीं हर एक टेबल पे उगाया जाता क्या? किसानों ने करके दिखाया। परिवर्तन इसी प्रकार से आता है। आप 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति का महात्म्य समझो, उनके सपनों को पूरा करने का अवसर दो। आप देखिए हिंदुस्तान कितना भाग्यवान है, 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की है, सारी दुनिया हम पे ईर्ष्या करे ऐसा हमारा देश है। हम उन नौजवानों को अवसर दें, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। नहीं, यही जो आपने कहा कि जो 60 साल से जो लोगों की के सपने थे, उम्मीदें थी, वो आज सब एक तरह से बिल्कुल उम्मीद का प्रतीक आप बने हैं। उस उम्मीद में नौजवान भी खास तौर पे बहुत उम्मीद है, जो 35 साल से कम की उम्र का जो नौजवान है। लेकिन नौजवान बहुत जल्दी असहज होता है, बहुत जल्दी धैर्य खोता है। उनको अगर जल्दी से नतीजे नहीं मिले तो उसकी जो जोखिम है, उसके जो खतरे हैं, वो क्या मानते गंभीर नहीं होंगे? मैं नहीं मानता हूं। जैसा आप नौजवान का एनालिसिस करते हैं वैसा मैं नहीं करता हूं। पीढ़ी काफ़ी बदल चुकी है। आज का नौजवान प्लस माइनस हर चीज़ का एनालिसिस करता है, वो स्थितियों को समझता है, और अगर उसको विश्वास हो जाए हाँ कदम सही दिशा में है, तो उसके बाद जितनी धीरज है उतनी धीरज किसी के पास नहीं है। और इसलिए हम हमारे युवा पीढ़ी की शक्ति, उसका एनालिटिकल माइंड, उसका काम करने का उत्साह, इसको कम ना आके उस पर भरोसा करें। आवश्यकता इतनी है कि उसके और आपके बीच डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका और उसका कनेक्ट रहता है, आप उसकी बात को समझते हैं, आप उसको भी कहते हो छोड़ो यार अभी ये दो करेंगे, तो देश का युवा चलने को तैयार है। उस अनुसार युवा के मसलों के ऊपर आप कौन सी दो तात्कालिक प्राथमिकताएं जिनके ऊपर आप फोकस करेंगे, कौन सी हो सकती है? शिक्षा, रोजगार? सबसे बड़ी बात है रोजगार, जॉबलेस ग्रोथ, जिसके लिए यूपीए की 10 साल की पहचान है। जॉबलेस ग्रोथ ये बहुत बड़ा संकट बना है। विकास के हमारे पैमाने क्या हो? विकास अगर हम औद्योगिक विकास चाहते हैं, कृषि विकास चाहते हैं, तो जैसे उत्पादन बढ़े साथ साथ रोजगार बढ़ने चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। दूसरा, जैसे मैं टूरिज्म कहता हूँ, टूरिज्म का सीधा लाभ नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। हमारे विकास का, अब जैसे आउटसोर्सिंग होता है, हमारे देश में रिसर्च पर हम बहुत कम बल देते हैं। रिसर्च और इनोवेशन ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज देखिए पैटेंट रजिस्ट्रेशन में हम बहुत पीछे हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवानों के पास टैलेंट नहीं है? अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के क्षेत्र में हमारे नौजवानों का भी रुतबा बना दें, तो दुनिया उसी से तय करेगी कि भाई कौन देश आईपीआर में आगत है, कौन देश पैटेंट रजिस्ट्रेशन में आगे है, कौन देश रिसर्च कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है। ये दुनिया के पैमाने बदल चुके हैं, उन पैमानों पर हम बल देंगे,
हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नौजवान है, उसको कर सकता है। वो नौजवान और नई पीढ़ी बुनियादी तौर पर ये भी चाहती है कि मेरिट को महत्व मिले, आरक्षण और ये तमाम चीजें पीछे जाए, बदलते वक्त के साथ नई तरह की कसौटियों पे उनको अवसर मिले। इस बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, मेरे गुजरात के अंदर जब मैं आया तो इंजीनियरिंग में 13,000 सीटें थी और आरक्षण के इशू को लेकर के तनाव पैदा होता था। आज मेरे यहाँ 1,00,000 से ज्यादा इंजीनियरिंग की सीट हो गई, आज कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप विकास ऐसा करो सबको मिले अवसर, कोई लूटना नहीं चाहता है, कोई लूटना नहीं चाहता है, लेकिन अगर हम सबको अवसर नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? गरीब से गरीब, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, सबको हक मिलना चाहिए। हक के मामले में एक अभी नारा कई काफी चल रहा है कि सबको हेल्थ की गारंटी, चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने का, इसको लेकर आपका क्या फोकस है? पहली बात तो यह है, हम लोग अभी अटके हुए हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर। आवश्यकता है हेल्थ एश्योरेंस की। दूसरा, हम लोग बीमारी की चिंता करते हैं, तंदुरुस्ती की चिंता नहीं करते हैं। हमने अपना फोकस वीकनेस के ऊपर जाना है कि वेलनेस पर जाना है, ये बदलना पड़ेगा। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर पीने का लोगों को शुद्ध पानी मिलता है तो बीमारी अपने आप कम हो जाएगी। स्कूल के अंदर बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें अगर सिखाई जाए कि हाथ धोना चाहिए, हाथ धोकर के खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ ये सबसे बड़ा आवश्यक काम है। सफाई, महात्मा गांधी जीवन भर सफाई के लिए जीते रहे। अब 5 साल के बाद महात्मा गांधी को 150 होंगे, क्या ये देश सपना नहीं देख सकता? जब गांधी के 150 हम मनाएंगे तब हिंदुस्तान में गांधी को हम एक स्वच्छ हिंदुस्तान देंगे। गांधी जीवन भर सफाई के लिए जीते थे, हम सफाई को ही एक मोटो बना लें और हम सफाई के विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, आप देखिए हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़ी मदद होगी। दूसरा, सबसे बड़ी आवश्यकता है डॉक्टरों की। आज देश की आवश्यकता की तुलना में हम 10% भी डॉक्टर तैयार नहीं कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस कम है, स्टूडेंट्स को अवसर नहीं मिल रहा है। क्यों ना हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को क्यों आगे ना बढ़ाया जाए। उसके कारण क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल भी एक अच्छा बन जाएगा, मेडिकल कॉलेज भी बन जाएगा और वहीं के नौजवान अपने गांवों में सेवा भी करेंगे, तो डॉक्टरों की संख्या भी बढ़े। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना आवश्यक है उतना ही ह्यूमन रिसोर्स का आवश्यकता है। तीसरी बात है, दवाई सस्ती कैसी मिले, क्यों ना हम दवाई सस्ती दे सके, हम रिसर्च और इनोवेशन को बल दें, हम दवाई सस्ती दें, अगर ये हम कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयोग होते हैं, कुछ सरकारी अस्पताल होते हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर होता है, लेकिन एक शिफ्ट चलता है, उसको 2 शिफ्ट क्यों नहीं चलाया जा सकता है, ज्यादा पेशेंटों को। यानी छोटे छोटे सुधार से भी हम बदलाव ला सकते हैं। नहीं, पर ये बुनियादी सवाल ये है कि छोटे छोटे सुधार, छोटी छोटी जो बहुत व्यवस्था का छोटी छोटी बातों को ठीक करना, ये करना, ये पूरी राष्ट्रीय सरकार के उसकी फोकस में नहीं रहता। उसको फोकस में बनाए रहने के लिए, मतलब उस पर आपका क्या कहना, कैसे फोकस बना रहे हैं? मैंने पहले ही कहा नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि भाई शुद्ध पानी मिलना चाहिए, ये बहुत बड़ा मेजर नीति है, छोटी छोटी नहीं है, लेकिन परिणाम छोटे से छोटे तबके को मिलता है, यह समझने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम हवाई जहाज की बात करें तभी बड़ी बात है, लेकिन हम गांव के अंदर साइकिल वाले की बात करें तो छोटी बात है। नहीं, छोटी को इंप्लीमेंट, हाँ, उसको सफल करवाना वही असली। मेरे 12 साल के अनुभव से मैं कहता हूँ, संभव है। मैं 12 साल से अनुभव से कहता हूँ, मोदी की पहचान इम्प्लीमेंटेशन की है, यही तो मेरी पहचान है। इसी के साथ में आप महिलाओं को लेकर काफी कुछ कहते रहे, क्या महिला आरक्षण बिल या ये जो महिलाओं को लेकर विकास, उसको लेकर तमाम जो बातें, उसमें ठोस एक्शन प्लान में क्या कुछ बातें निकल सकती है? देखिए, हमने गुजरात के अंदर पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो गवर्नर बैठे हैं वो एक महिला है, उस पर साइन करने को तैयार नहीं। कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए वो अटका के बैठे हैं। हम इसमें प्रतिबद्ध हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट पर सोचना चाहिए,
लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे सामाजिक जीवन में ये जो भेदभाव का भाव पड़ा है, स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव का एक ऐसी सोच पड़ी हुई है, इस पर हमने बहुत काम करना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर करना पड़ेगा, सांस्कृतिक स्तर पर करना पड़ेगा, शिक्षा व्यवस्था में करना पड़ेगा। ये बदलाव चाहना चाहिए। स्त्री और पुरुष का भेद ये हमारे मानसिक अवस्था में होना ही नहीं चाहिए, ये पहली आवश्यकता है। दूसरा, मैं स्पष्ट मत कहूँ कि महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय करने का हक मिलना चाहिए। बेटी को जन्म लेने का आज हक है कि नहीं, सवाल है, उसको हक मिलना चाहिए। उसको कितना पढ़ना, कहाँ पढ़ना, कैसे पढ़ना, उसका निर्णय आज वो नहीं कर पा रही है, उसको हक मिलना चाहिए। शादी कब करनी नहीं करनी, उसका निर्णय करने का हक बेटी को मिलना चाहिए। कैरियर बनानी है तो कैरियर कैसी बनानी, कब बनानी, कहाँ बनानी, बेटी को निर्णय करने का हक होना चाहिए। शादी कब करें, परिवार कितना बड़ा बनाए, दो बच्चे करें, तीन बच्चे करें, न करें, उसका निर्णय करने का भी बेटी को हक होना चाहिए। ये हमारी समाज व्यवस्था में लाना पड़ेगा, सामाजिक सुधार के दायरे में या समाज व्यवस्था के मामले में। लेकिन हक और कानून बनाने, क्योंकि महिला आरक्षण और ये बाकी जो सुरक्षा को लेकर जितने कानून बने, मैं आपको बताता हूँ कैसे बदलाव आता है। गुजरात में हमने एक समरस ग्राम की योजना की। समरस ग्राम की मूल कल्पना तो विनोबा भावे जी की थी, तो मैंने लागू किया मेरे राज्य में। गांव के लोग मिलकर के सर्वसम्मति से अपनी पंचायत की रचना करें, उसमें वैमान आरक्षण भी होते हैं, दलित आरक्षण भी होता है, ट्राइबल सब होता है, लेकिन गांव सर्वसम्मति से करता है। और जो लोग ये करते हैं उनको मेरे यहाँ विकास के लिए स्पेशल राशि हम देते हैं। कुछ गांव ऐसे निकले जिन्होंने तय किया कि हमारी पूरी बॉडी में एक भी पुरुष नहीं होगा। करीब करीब 250-300 गांव ऐसे हैं मेरे राज्य में जिसका पूरा कारोबार महिलाएं चलाती हैं। जब उस गांव ने तय किया कि हमको महिलाओं को कारोबार देना है, सरपंच महिला होगी, पंचायत के सभी सदस्य वही के बोर्ड होता है, तो एक भी पुरुष वहाँ नहीं होता है, तो मैंने तय किया उनको पूरी मदद करूँ। और आज मेरा अनुभव है कि महिलाओं द्वारा संचालित गाँवों में विकास बहुत तेजी से हुआ है। हमें अवसर देना चाहिए, अवसर और एक शुरुआत करने के साथ में माहौल बनाने की बात उस पर ज्यादा फोकस किया। कानूनी व्यवस्था भी तो करनी पड़ती है ना, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लेने पड़ते हैं, सरकार की तरफ से जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। कानून कानून के मामले में एक ही आपने पहले कहा कि कई कानूनों का अपने यहाँ अंबार लगा हुआ है, पुराने कानून और अप्रासंगिक कानूनों को हटाने की, और ये भी बात होनी चाहिए सुधार, कानूनन तौर पर सुधार, और एक उसी के साथ में कानून व्यवस्था, अदालती व्यवस्था या जो न्यायपालिका को या मुकदमों को लेकर, और पुलिस व्यवस्था, इसको लेकर आपकी क्या सोच? देखिए, कभी कभी तो मुझे लगता है लॉलेसनेस ये हकीकत है, लेकिन लेस लॉ ये जरूरी है। लेस लॉ एक तरफ है लॉलेसनेस और दूसरी तरफ आवश्यकता है लेस लॉ। मैंने कहा ना, कानूनों का जंगल बना हुआ है। कुछ तो कानून है जो 19वीं सदी में 18वीं सदी में बने हुए हम लेकर के घूम रहे हैं, जगत बदल चुका है। जितना इससे मुक्ति पाएंगे उतना सरलीकरण आएगा। दूसरा, कानून और व्यवस्था, उसके कई पहलू हैं। एक है हमारे पुलिस फोर्स का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमें उसे मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। आज क्या होता है, 6 फुट का नौजवान है पुलिस में भर्ती होता है, 9 महीने हाथ पर ऊपर नीचे करता है और उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाती है, कानून पकड़ा दिया जाता है। गुजरात में हमने एक प्रयोग किया है, पहली बार देश में हमने एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है, जिसको भी सिक्योरिटी फोर्सेज में जाना है, यूनिफॉर्म में जाना है, वो वहीं से ग्रेजुएट होगा, और ग्रेजुएट होने के बाद अगर अच्छे मार्क्स लाता है और उसमें सब पढ़ाया जाएगा, उसको कानून पढ़ाया जाएगा, उसको लॉ एंड ऑर्डर पढ़ाया जाएगा, उसको आर्म्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसको डिसिप्लिन सिखाई जाएगी, उसको मॉब साइकोलॉजी पढ़ाई जाएगी, उसको वीमेन के राइट्स पढ़ाई जाएंगे, सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ाई जाएगी, तो एक बहुत ही एबल मैन पावर तैयार होगा। और वो अगर पुलिस में इंजेक्ट होता है तो धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आएगा, और एक बहुत बड़ी मात्रा में किया जा सकता है। दूसरा, आज क्राइम का रूप बदल चुका है, आज क्राइम में टेक्नोलॉजी आई है, साइबर क्राइम का बढ़ रहा है, इकोनॉमिकल ऑफेंस बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे लिए इस दुनिया को पहुंचना है तो अगर गुनहगार
टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, तो इन्वेस्टिगेशन पे टेक्नोलॉजी, तो हमें फॉरेंसिक साइंस पर बल देना पड़ेगा। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई है। कॉलेजेज में कहीं कहीं फॉरेंसिक साइंस के डिपार्टमेंट है, कोर्सेज चलते हैं, लेकिन फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में एक ही है और वो गुजरात में है। हम उसमें जजिस को भी पढ़ाते हैं, लॉयर्स को पढ़ाते हैं, हम पुलिस को पढ़ाते हैं और सारी बात, जैसे अभी हमारे देश में बलात्कार होता है, बलात्कार होता है तो बलात्कार की घटना को मेडिकली किस प्रोटोकॉल के अंतर्गत उसको देखा जाए उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने एक फॉरेंसिक मोबाइल वैन तैयार की है, स्टाफ को ट्रेन किया है, बलात्कार की घटना होगी तो ये मोबाइल वैन वहाँ पहुँचेगी, उसके क्या प्रोटोकॉल होंगे, उस बलात्कार जिसका हुआ है उस देवी का सम्मान बना रहे और फिर भी पूरी जांच हो, उसके सारे प्रोटोकॉल, उसके लिए फॉरेंसिक साइंस लैब बनाएंगे। अगर हम इस आधुनिक विज्ञान तो लेके जाएंगे तभी तो जाकर के हम बदलाव लाएंगे। सिर्फ एक कानून बना दिया और राजनीति करते रहे और वोट पाने के लिए खेल खेलते रहे, इससे नहीं होता है। गुजरात के अनुभव के साथ में आपकी समाज को लेकर, आपकी व्यवस्था को लेकर जो आपके, इसके अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे मतलब सुरक्षा और विदेश नीति, इसको लेकर अब जरा उसमें करें, सुरक्षा के नाते रक्षा तैयारियों में आपका क्या विचार है, क्या ब्लूप्रिंट है? पहली बात है, भारत सरकार के पास जितने डिपार्टमेंट हैं वो मिजरेबली फेल हुए हैं। जिन डिपार्टमेंट विभागों में थोड़ा राज्य का कॉन्ट्रीब्यूशन में थोड़ा कुछ भी हुआ है, लेकिन जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट, चाहे एविएशन हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, मिजरेबली फेल गए हैं। आप देखिए रक्षा के क्षेत्र में कभी हमने देखा है कि सेना और डिफेंस मिनिस्टर के बीच में तनाव हो? 60 साल हो गए इंदिरा जैसे लोग राज करते थे, क्या कभी सेना में हिंदू कौन मुसलमान कौन ये गिनती करने का पाप हुआ है क्या? ये काम किया जा रहा है। आज देखिए हमारी पनडुब्बियां डूब रही है, हमारे सेना के जवान मारे क्यों? सब कहते हैं भाई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए हमारे संसाधनों को भी हम आधुनिक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जवान कुछ तो इसलिए मारे जा रहे हैं कि ट्रक ऐसी हैं पहाड़ों पर जा नहीं पाती और बाद में उनको मरने की नौबत आती है। कम से कम हमारी सेना को आधुनिक कैसे बनाएं, वेल इक्विप कैसे रखें, उनमें डिसिप्लिन की दिशा में और सरकार और सेना के बीच में तनाव नहीं होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होना चाहिए। और हम किसी को मारने के लिए सेना तो तैयार नहीं करते, हम आत्मरक्षा के लिए सेना तैयार करते हैं, हमारे देश की आवश्यकताओं के लिए सेना तैयार करते हैं। चीन पाकिस्तान उनके जो रवैये हैं, अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से अमेरिका जाने वाला है, क्या हमने विजुलाइज किया है उसके बाद हमारी सीमा पर क्या क्या समस्या आने वाली है, उसके लिए हमने हमारी सेना को अभी से तैयार किया है क्या? उस दिशा में जो सोच होनी चाहिए वो आज नहीं है। सेना के जवानों के सर काट लिए जाते हैं, सर काट लिए जाते हैं और एक आध बयान दे दिया जाता है, बाद में कुछ नहीं होता है। उसमें भी सेना एक बयान देती है, पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर दूसरा बयान देते हैं और इसका मजा पाकिस्तान उड़ाता है, तो ये स्थितियां बदलनी चाहिए। पर इस स्थिति के लिए आपने कहा कि जो केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्रीज है, जो वहां की जो ढांचा ढल रहा है वो ज्यादा जिम्मेवार, या मतलब वो ढांचा भी, वो मिनिस्ट्री भी नेतृत्व की वजह से ठीक हो सकता है, ये आपका इस ठोस विश्वास? नंबर वन, यूपीए सरकार के पास कोई विजन ही नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, राष्ट्र रक्षा इनकी प्रायोरिटी नहीं है, ये सबसे बड़ा संकट है। और वे पूरी सरकार को मैं जिम्मेवार गिनता हूँ, उनके एनएसी को भी इसमें मैं जिम्मेवार गिनता हूँ, वो सबको जिम्मेवार करता हूँ, मैं एक व्यक्ति को जिम्मेवार नहीं करता हूँ, पूरे उनकी सोच। अब मुझे बताइए, आज हम अरबों खरबों का इम्पोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट का, क्या भारत के नौजवान डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बना सकते क्या? डिफेंस ऑफसेट हम नहीं बना सकते क्या? क्यों ना हम एक प्रोग्रेसिव एग्रेसिव पॉलिसी न बनाएं? क्या हमारे हिंदुस्तान के उद्योगकार, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेजेज वो डिफेंस के लेकर के नए कोर्सेज चालू करें और हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हमारे साधन हम बनाएं? और क्यों हिंदुस्तान सपना न देखें कि हम आज दुनिया से हम शस्त्रास्त्र इम्पोर्ट करते हैं, हम वो ड्रीम करें कि हम दुनिया के देशों को एक्सपोर्ट करेंगे? अगर ये करेंगे तो देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज का संकट बंद हो जाएगा
और भारत आत्मनिर्भर बनेगा, हमारी सेना के जवानों में ताकत आएगी। जी मोदी जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। और विधानसभा चुनाव नतीजों सबके ट्रेन से जो लगता है कि कुछ ही दिनों बाद आप शपथ के लिए राष्ट्रपति भवन में होंगे, क्या कभी आपने इस मुकाम की कल्पना की थी? ईटीवी के मुंह में घी सक्कर कि आप राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण दे रहे हो मुझे? नहीं, आपका खुद का विश्वास भी। मैं देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होती है। जनता निर्णय करेगी। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, एक व्यक्ति के नाते, अब सारा देश जानता है कि मैं कहां पैदा हुआ, कैसे पला बढ़ा। और मेरा इस जीवन में विश्वास रहा है, और मैं देश के नौजवानों को भी हमेशा कहता हूं, जीवन में कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखने चाहिए। और मैंने भी कभी जीवन में कुछ भी बनने का सपना नहीं देखा है। मैं आज 27 तारीख को आपसे बात कर रहा हूं, तब भी मैं कह रहा हूं कि मैंने जीवन में कुछ बनने के सपने नहीं देखे। हाँ, करने के सपने देखने चाहिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए जीवन जुटा देना चाहिए। और मेरा क्या कर रहा है, देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, दलित, पीड़ित, शोषित, आदिवासी, गरीब, वंचित, इनके कल्याण के लिए मेरा जीवन काम आए, इस मकसद से घर छोड़ा है, इसी मकसद से परिवार छोड़ा है, इसी मकसद से गांव छोड़ा है। भारत मेरी माँ है, 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, उस परिवार में मैं खप चुका हूँ, और यही करने का लेकर के सपना निकल निकला। बनने का सपना नहीं, करने का सपना, ये मैं बार बार कहता हूँ। बनना वाली बहुत छोटी बातें होती है, कुछ करना ये बहुत बड़ी बात। वही करना कि आप, ये कहा जाता है और ये बिल्कुल प्रमाणित भी है एक तरह की, आप बचपन से अपने इरादों के धुनी रहे, कुछ करने के धुनी रहे, और उसी लिए घर बार छोड़कर प्रचारक बने। लेकिन प्रचारक बनते हुए जो जो एक आपकी सोच थी, वो सोच और आज जो जो मौजूदा सोच है, वो किस मुकाम में, उसमें मतलब कितनी प्राप्ति, कैसे उस वो सोच यहाँ तक कैसे पहुंची? पहली बात है, बच्चा 5वीं कक्षा में अगर एडमिशन लेता है, 7वीं कक्षा में एडमिशन लेता है, 8वीं कक्षा में एडमिशन लेता है, वो एक नींव बनती है जो आगे जाकर के वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, आगे नोबेल प्राइज विनर बनेगा, आगे रिसर्चर बनेगा, लेकिन नींव वहाँ पक्की होती है। मुझे बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा देश के लिए जीने के संस्कार मिले हैं, डिसिप्लिन से जीने के लिए संस्कार मिले हैं, कठोर परिश्रम करने के लिए संस्कार मिले हैं, खुद के लिए नहीं औरों के लिए सोचने के संस्कार मिले हैं। और मैं इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे स्वयं, आज लोग, मैं जब दौरा करता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं, मोदी जी आप थकते नहीं हो क्या, आप सुबह शाम इतने दिनों से दौड़ रहे हो? उसका मूल कारण है, संघ के अंदर कठोर परिश्रम की मेरी ट्रेनिंग हुई है। खुद के लिए कम सोचना, जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए ज्यादा सोचना, ये मुझे बचपन से ट्रेनिंग ये है। लेकिन उसके साथ में मूल भाव समाज सेवा का था, लेकिन समाज सेवा के साथ राज या सत्ता का जो ये जो मुकाम बना, ये कन्वर्ट कैसे हुआ? मेरे लिए आज भी राजनीतिक क्षेत्र ये एम्बिशन नहीं है, एक मिशन है। हमारे लिए राजनीति सर्वोपरि नहीं है, राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। हमारे लिए सत्ता सब कुछ नहीं है, समाज भक्ति सब कुछ है। यही तो हमारे संस्कार हैं, जो हम जहां भी बैठेंगे, जिस जिम्मेवारी के साथ बैठेंगे, जिस दायित्व को निभाएंगे, 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण, भारत माँ फिर से एक बार जगत गुरु का स्थान प्राप्त करे, विश्व की स्पर्धा में हमारी भारत माता भी एक शक्ति बन करके उभरे, ये हर भारतवासी का सपना होना चाहिए। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, 125 करोड़ देशवासियों का सपना होना चाहिए। ये आपने घर छोड़ते हुए या पारिवारिक बंधनों से मुक्त होते हुए आरएसएस ज्वाइन करते हुए ये इरादा, ये उसी दिन मुझे जितना भी मौका मिलेगा, अगर एक गरीब की सेवा करने का मौका मिलेगा तो एक ही करूंगा,
50 की सेवा करने का मौका मिलेगा 50 के करूंगा, 5 लाख की सेवा करने का मिलेगा मौका मैं 5 का करूंगा, 6 करोड़ की सेवा करने का मौका मिलेगा तो 6 करोड़ की करूंगा, 125 करोड़ की सेवा करने का मौका मिलेगा तो 125 करोड़ की करूंगा। स्केल बदलता जाएगा, इरादा नहीं बदलेगा, रास्ता नहीं बदलेगा। मतलब वो नियति जहां ले गई, आप इसमें नियति को अपना भाग्य को ज्यादा मानेंगे योगदान इस मुकाम पे, या कर्मवादी होने के का ज्यादा मानेंगे? मैं मानता हूं देश के लिए जो 3 चीजों की सबसे बड़ी आवश्यकता है वो नेता, नीति और नियत। बाद ही अगर ये ठीक हुआ तो नियति भी तो अच्छा सोचती है। नहीं, एक ने किसी ने बहुत एक जानकार ने, और मेरा भी आपको, मैं 25-30 वर्षों से मैं बस आपके राजनीतिक सफर को देख रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि गुजरात में आने के साथ पिछले 11-12 या 15 वर्षों में जो आपने किया वो एक कहीं ये नहीं लगता कुछ दैविक कृपा या कुछ डिवाइन वो भी है इसके पीछे? क्योंकि देखिए ये एक बहुत मुझे हैरानी वाली किसी ने तथ्य बताया कि जब से मुख्यमंत्री आप बने हैं कभी गुजरात में सूखा नहीं हुआ, कभी कोई आपदा नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, तमाम बातें जो एडवर्सरी थे वो भी अपॉर्चुनिटी में बदलते गए। एक बहुत ही अजीब सा फिनोमेना जो किसी को समझ में नहीं आता, ये इस पर क्या कहना है? मैं और उस नाते आप आस्थावान है क्या, आप पूजा पाठ करते हैं क्या? मैं ईश्वरवादी हूँ जी, मैं आस्थावादी हूँ जी, मैं परम शक्ति में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुझे उसको परेशान नहीं करना चाहिए जी। उसने मुझे यहाँ जिस काम के लिए भेजा है वो मुझे करना चाहिए, उसे नहीं करवाना चाहिए। ईश्वर को बार बार जाके परेशान मत करो, ये करो वो करो, वो उसने मुझे यहाँ भेजा है, उसने मुझे जो काम लेना होगा वो लेता रहेगा, मैं करता रहूँगा। हाँ, लेकिन हम लोग तो क्या है, सुबह शाम जा करके आरती उतार उसको कहते हैं ये करो वो करो, कि वो कोई हमारा एजेंट है क्या? परमात्मा ने हमें भेजा है, परमात्मा हमसे जो करवाएगा हमें करना चाहिए, परमात्मा जो सद्बुद्धि देगा उस सद्बुद्धि के आधार पर चलना चाहिए। बचपन से लेकर अभी तक आपका रोल मॉडल कौन रहा? वैसे मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित रहा, और पढ़ने का भी मेरे गांव की लाइब्रेरी थी तो ज्यादातर वही मिलता था, और उसमें मूलतः बात देशभक्ति की होती थी। वे तो सन्यासी थे, आस्थावादी थे, परमात्मा में विश्वास करने वाले, लेकिन क्या कहते थे, सब भगवान को भूल जाओ, सिर्फ भारत माता को याद करो, ये कहते थे वो। ये चीजें मुझे बड़ी अपील करती थी। वो कहते थे दरिद्र नारायण की सेवा वो ईश्वर की सेवा है, गरीब का कल्याण करो ये भगवान का काम कर रहे हो। वो कहते हैं फुटबॉल खेलो गीता बाद में सोचना। अब ये बातें जो है बड़ी क्रांतिकारी थी और इन चीजें मुझे पसंद आती थी। आपकी सबसे पठनीय, जो आपकी सबसे प्रिय पुस्तक जिसने आपको विचारों के नाते प्रभावित किया हो कोई? ज्यादातर तो मैं पहले तो बहुत पढ़ता था, बहुत पढ़ा हूँ बचपन में, यानी मेरे गांव में जो लाइब्रेरी थी उसमें जो उपलब्ध था, छोटा सा गांव छोटा सा परिवार, और लाइब्रेरी में जो उपलब्ध था मैं पढ़ता रहता था। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कि मेरा उससे सन्नाटा टूट गया है। इन दिनों तो जो नई चीज आती है उसको मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, और इसलिए चाहे आध्यात्मिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, कुछ हिस्ट्री की बातें हो, कुछ मानवीय रुचि प्रकृति प्रवृत्ति की बातें हैं, इन चीजों को मैं देखता रहता था। इन दिनों तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। इन दिनों आपकी दिलचस्पियाँ कुछ, कोई हॉबी कुछ ऐसी दिलचस्पी, फिल्म संगीत पुस्तक ज्यादा कोई दिलचस्पी है या समय नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा? दिलचस्पी तो बहुत है, मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। संगीत क्लासिकल या इट डिपेंड्स। हाँ, इंस्ट्रूमेंटल संगीत मुझे ज्यादा पसंद आता है और मैं मानता हूँ वो एक चेतना जगाता है, और भारत का संगीत तो मन को डुलाता है, पश्चिम का संगीत तन को डुलाता है, तो जो मन को डुलाता है वो जरा ज़्यादा पसंद आता है, तो संगीत भी पसंद है। मुझे पहाड़ों पर जा करके टहलना बहुत अच्छा लगता है, हिमालय मेरी प्रिय जगह रही है, तो सब पसंद तो है। नहीं, लेकिन मेरा लेकिन प्रायोरिटी नहीं है आज। लेकिन बुनियादी तौर पर संघ के
तमाम दूसरे प्रचारकों को देखते हो, ये देखते हो, आपकी जो दिलचस्पियाँ, आपकी जो ड्रेस से लेकर आपकी जो स्टाइल है, आपकी जो अंदाज है, वो बिल्कुल बहुत अलग से लगते हैं, उसकी तारीफ भी बहुत होती है, ये आपने कहाँ से, मतलब आपका ऑफिस दफ्तर देखें या तमाम चीजें, ये कैसे हुआ, ये संस्कार कहाँ से आ गया? मैं बताता हूँ, ये एक भ्रम फैलाया गया है जी, किसी ने इसकी बारीकी नहीं देखी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आज जी, और मैं चाहूंगा कि आपका टीवी दर्शकों को या पहुंचे, दिलचस्पी वाला। बहुत साल पहले की बात है जी, एक प्रसिद्ध अखबार के सीनियर एडिटर जी, सुबह 7:30 बजे उनका फोन आया जी, मैं दिल्ली में रहता था, पार्टी का महासचिव था जी, उन्होंने फोन किया कि मोदी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा 10:30-11 बजे आ जाइए, मैं 1100 रुपये हूँ। नहीं नहीं बोले, मैं अभी आपके घर के दरवाजे बाहर खड़ा हूँ, अगर आप कहें तो। मैंने कहा आ जाइए भाई। तो मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर ले आया। तो मैं वो भगवे कलर की लुंगी पहनता हूँ, तो मैं अपना, और मैं वो कम्बल पे सोता था पहले, तो कम्बल पे बैठा था, अखबार पड़े थे, कुछ किताबें पड़ी थी, और एक तांबे के लोटे में पानी भरा पड़ा था, और एक प्लास्टिक की कुर्सी थी, मैंने उनको बिठाया, एक कमरे में रहता था। एक रूलिंग पार्टी का महासचिव था मैं, इतने बड़े देश की रूलिंग पार्टी का मैं ऑर्गेनाइजिंग महासचिव था, मैं ऐसे रहता था। उनको बिठाया, मैंने उनको पूछा चाय पियोगे क्या, तो बोले हाँ पीऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं एक ग्लास लेकर के बाहर गया फुटपाथ पे, जब फुटपाथ की लॉरी पे चाय बिकता है, वहाँ से चाय लेके आया, मैंने उनको चाय पिलाया। फिर मैंने उनको पूछा क्या काम था, तो बहुत परेशान था वो। मैंने कहा क्या काम था बताइए ना, आप सुबह सुबह आए तो कुछ तकलीफ होगी आपको। नहीं नहीं कुछ काम नहीं था, ऐसे ही आया था। मैंने कहा नहीं भाई, कोई पत्रकार सुबह उठ करके आ जाए ये संभव ही नहीं है, कुछ तो होगा। तो कहा नहीं नहीं भाई, मैं मैंने कहा नहीं यार तुम आज बता दो। तो बोले ऐसा है कि हमारे मैगजीन ने तय किया है कि जो RSS बैकग्राउंड के लोग प्रचारक राजनीति में आए हैं, उनकी जीवन शैली बदल गई है, तो उस पर हम एक स्टोरी करना चाहते हैं, और उसमें आपका भी नाम है कि आपकी जीवन शैली बदल गई है। मैंने कहा जो देखा, तो बोले ये देख करके मैं परेशान हूँ कि मैं स्टोरी क्या करूँ। बोले हम लोग तो सुनते थे, बोले ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा अब मेरी रिक्वेस्ट है ये स्टोरी को छापो। देश का दुर्भाग्य है उस मैगजीन ने उस स्टोरी को किल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चलता है, ये सिंपल मैं चश्मा पहनता हूँ, लेकिन लगाते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी का चश्मा पहनता हूँ, ये सिंपल खद्दर का कपड़ा है, लेकिन अगर मैं ढंग से जीता हूँ और परमात्मा ने जो बदन दिया है उस बदन पर कोई चीज सूट करती है, तो आपने मुझे ऐसा बना के रखा है। ढंग से जीना है वो सहज है, वो कठिन नहीं है। देखिए भाई दो चीजें हैं, क्या साफ सुथरा जिंदगी नहीं होनी चाहिए, क्या जिंदगी साफ सुथरी नहीं होनी चाहिए क्या? आप, मैं हैरान हूँ जी किस प्रकार से चीजें चलाई अब, लेकिन अब दिन रात हम कहाँ लोगों को सफाई देने जाएंगे जी। मोदी जी एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जीवन के सबसे सुखद पल या सुखद वक्त कौन सा रहा, या सबसे और दुखद कौन सा वक्त रहा? मेरे जीवन में सुखद वक्त अभी आया नहीं है जी। मेरा उस सुखद वक्त का लक्ष्य मेरे गरीब से गरीब परिवार के पास रहने को जब घर होगा जी, बूढ़ों के लिए दवाई की व्यवस्था हो गई, बच्चों के लिए शिक्षा हो गई, किसान को आत्महत्या न करनी पड़ती होगी, रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता होगा, ऐसा ऐसी मेरी जब भारत माता होगी, ऐसा मेरा देश होगा, तब जाकर के मुझे संतोष और सुख होगा। तब तक सुख कैसा, चैन कैसा? दुखद क्षण कौन से रहे आपके? मैं दुखों की कभी गिनती नहीं करता हूँ, न उस पर अपना समय खराब करता हूँ। एक अंतिम सवाल कि संघ और RSS की के संस्कार से आप निकले हुए हैं, उसमें एक सामूहिकता, एक उसको लेकर ये बहुत कहा जाता है कि सामूहिक तौर पर विचार विमर्श तमाम है, आपको लेकर एक मोटे तौर पर ये धारणा भी जैसे बनी हुई है कि आप अकेले अपने निर्णय करते हैं, इसको लेकर क्या ये धारणा इसकी क्या? जैसे जैसे जी, ये जो मेरे रहन सहन और कपड़ों को लेकर के जो झूठ चलाया गया है, ये एक दूसरा झूठ है, क्योंकि मुझ पर कोई गंभीर आरोप तो लगा नहीं पा रहे हैं, तो एक हल्का फुल्का ये आरोप चलाते रहते हैं। देखिए इतना बड़ा, सुनिए अब मुझे बोलने देंगे क्या? अगर अगर आप मुझे तो कहते हैं टीम की बात और खुद अकेले बोलते रहते हो। अब देखिए मैं बताऊं,
इतना बड़ा गुजरात जी, जिसमें जो बदलाव आया जी, क्या कोई एक आदमी ला सकता है क्या जी? बिना टीम कभी सफल नहीं होता है जी। और मेरे यहां आज भी मैं कहता हूं जी, टीम गुजरात जी, जी। टीम के बिना सफल नहीं होता है भैया। इसी तरह वो टीम इंडिया सुनो भैया, जब तक आपके पास अच्छे लोग नहीं है, आप उनको सुनते नहीं है। कभी मेरे साथ काम करके देखिए, और मेरी सफलता का मूल कारण यह है कि मैं सबको सुनता हूँ। मेरी सफलता का कारण यह है कि मैं सबसे राय मशवरा करता हूँ। हाँ, एक बार सबकी राय बन जाए और नतीजे पर फैसले इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं पूरी शक्ति लगा देता हूँ। ये अभी पूरे पिछले 3-4-6 महीने के प्रोसेस में भी इसी अप्रोच से काम हुआ, सारा कुछ किया। मैं बचपन से यही सीखा हूँ, मुझे और कोई टेक्निक आती ही नहीं है। आती नहीं, मैं करने जाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा। टेक्निक आती नहीं मुझे, सबको सबको सुनना, सबको साथ लेना और सबको जोड़ना, यही मेरी सफलता का मूल बिंदु है। लेकिन लेकिन जो लोग मोदी को पसंद नहीं करते और मोदी के खिलाफ कुछ मिलता नहीं, तो यही कुछ चीजें हैं, चलाते रहते हैं। अब उनकी भी तो रोजी रोटी का सवाल है ना, मतलब ये तो मेरी तरफ से उनको इतनी मदद तो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। उस नाते जो टीम गुजरात आपकी थी, वही टीम इंडिया बना के आप वहां आगे, ये वही शब्द कहां से लाए, वही शब्द कहां से लाए, टीम इंडिया ही होगी जी, वही शब्द कहां से लाए जी। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईटीवी के दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूं मेरी तरफ से।